हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं रेडिफ मेल अकाउंट के पासवर्ड को किस तरह से और कैसे आसानी के साथ आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना फ्री है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पासवर्ड बहुत ही आसान है चेंज करना, क्योंकि इसका आप लोगों को आदत होना चाहिए, क्योंकि हर तीसरे महीने में आपके अपने सिस्टम या आपके कोई भी ईमेल आईडी या कोई ऐसा पासवर्ड हो उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के ज़माने में डिजिटल में हैकिंग के बहुत सारे चांसेस और बहुत सारे ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। तो आपको हमेशा अपडेट रहना होना चाहिए या फिर हमेशा आपको पासवर्ड चेंज करके रखना चाहिए हर तीसरे महीने में। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस रखें तो बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे कोई भी एक वर्किंग ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। वहाँ पर हमें रेडिफ मेल टाइप करना है, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हो। मैंने ये नॉर्मली अपना रेडिफ मेल का रेगुलर पासवर्ड जो हम इस्तेमाल करता हूं वो मैंने यहां पे डाल के लॉगिन कर लिया है। ये हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब हमें इसका पासवर्ड चेंज करना है। राइट हैंड साइड में जाना, सेटिंग यानी कि गियर वाले ऑप्शन में जाना, वहां पे हमें अकाउंट इन्फो में जाना। जस्ट उसके नीचे आप देख सकते हैं पासवर्ड लिखा हुआ था, वहां पर मैं गया। वहां जाने के बाद यहां पर मुझे दो से तीन ऑप्शन आते हैं। पहला आता है हमारा करंट पासवर्ड आता है, दूसरा हमें न्यू पासवर्ड आता है, फिर रीटाइप करने के लिए पासवर्ड आता है, फिर उसके नीचे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में कुछ लिखा हुआ है, वो हमें यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपका ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है सक्सेसफुली स्टेप बाय स्टेप, तो आपका पासवर्ड बेसिकली आराम के साथ चेंज हो जाता है। दोस्तों, इसमें बहुत ही कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी आसानी के साथ पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब मैं एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करके, यानी कि मैं इसको एक बार फिर से लॉग इन करने का ट्राई करता हूँ, जो हमने नया पासवर्ड जनरेट किया है वो चेक करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके सिस्टम के, आपकी जीमेल का, याहू का, आउटलुक का, आपके मोबाइल का, आपका एटीएम का, कोई भी आपका नेट बैंकिंग का, अगर आप इस तरह से क्वार्टरली आप पासवर्ड चेंज करते हैं, तो आप ये मान के चलो कि आपका कोई भी ऐसा सिस्टम हैक करना मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी। अगर आपने एक ही कॉमन पासवर्ड रखे हैं और उसको आपने कभी चेंज ही नहीं किया, साल दो साल चार साल से चले आ रहा है सेम पासवर्ड, तो आप यकीन करो आपका सिस्टम हैकिंग के बहुत करीब हो जाता है। कोई भी ऐसा पासवर्ड आप रख रहे हो तो उसको आप एक टाइम के बाद पासवर्ड चेंज करें या कुछ उसमें चेंजेस कर ले, जैसे कैपिटल, स्मॉल, न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेट्स या फिर कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स। तो आप ये प्रैक्टिस रखें, आपके कोई भी सिस्टम हो, मोबाइल हो, जीमेल हो, याहू हो, आउटलुक हो, एटीएम का पासवर्ड हो, तो उसको आप उस तरीके से चेंज करके रखिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताने और समझाने की कोशिश की वो आप तक समझ में आया हो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।